तो प्रीव्यू में जैसा आपने वीडियो देखा है वैसा एडिट करने के लिए तो सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन का जरूरत पड़ने वाला है जिसका नेम है कैपकट। अगर आपके पास कैपकट नहीं है तो आप लोग क्या करना, मेरे डिस्क्रिप्शन में जाना, मैंने एकदम लेटेस्ट वर्जन कैपकट का ऐप का लिंक दे दिए, आप लोग जाना उसको डाउनलोड कर लेना। एंड डाउनलोड कर लेने के बाद आपको एक कोई भी VPN को जरूरत पड़ने वाला है, क्योंकि जो हम लोग का कैपकट में इफेक्ट का प्रॉब्लम में आता है, नो इंटरनेट प्रॉब्लम, वो इसीलिए आता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, VPN को कोई भी कनेक्ट कर लेना है। एंड कनेक्ट हो जाने के बाद आपको ऊपर स्क्रीन में दिखेगा VPN, कोई भी आप लोग कनेक्ट करोगे VPN तो ऊपर साइड में VPN लिख देगा, तो समझ लेना आपका VPN लग चुका है। एंड आपको क्या करना है, VPN को कनेक्ट कर लेने के बाद जैसे कि हम दिखा देते हैं, मेरा VPN सिक्योर VPN है, आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे कनेक्टेड है, यहाँ पे डिसकनेक्ट आएगा तो इस पर आप लोग क्लिक करके कनेक्ट कर लेना। एंड ऐसे दोनों को डिलीट मार लेना एंड फिर से कैपकट को आपको ओपन कर लेना है। एंड कैपकट को ओपन करने के बाद आपको क्या करना है कि न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, जो भी आपका वीडियो है उसको यहाँ पे ले लेना है। एंड यहाँ पे वीडियो ऐड हो जाएगा। एंड आपको क्या करना है कि नीचे आपको इफेक्ट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना, वीडियो इफेक्ट का आएगा उस पर क्लिक करना। एंड यहाँ पे इस पॉइंट को आप लोग को बहुत ही ध्यान से देखना पड़ेगा, अगर आपने एक भी स्टेप मिस किया तो आप लोग पूरा वीडियो में समझ लो एकदम से वीडियो आपका नाश हो जाएगा, एकदम से बनेगा ही नहीं अच्छा। तो सबसे पहले आपको ऊपर साइड में दिखेगा ऐड टू फेवरेट ट्रेंडिंग बेसिक, तो बेसिक पे क्लिक करना। इधर साइड में आप लोग को एरो पे दिखेगा एज ग्लो, उस पर क्लिक करना एंड इसको स्लाइड कर लेना, एज ग्लो को पूरा वीडियो के एंड तक कर देना है। एंड लास्ट में एंडिंग बचेगा उस पर क्लिक करना, नीचे डिलीट का ऑप्शन आएगा, डिलीट मार देना। एंड यहाँ से आपको क्या करना है, वीडियो क्लिप पे क्लिक कर देना, नीचे आपको इफेक्ट का ऑप्शन खुलेगा, उस पर स्लाइड करके आना, फिल्टर नाम करके आएगा ऑप्शन, उस पर क्लिक कर देना। फिल्टर मिलेगा तो उसको क्या करना है, आपको फूड वाले पे यहाँ पे दिखेगा ऐड टू फेवरेट लाइव फूड मूवी, तो फूड वाले पे क्लिक करना एंड इसको स्लाइड मार के ऐसे लाना। एंड यहाँ पे आपको एक इफेक्ट देखने को मिलेगा, फर्स्ट वाला भी इफेक्ट देखने को मिलेगा, हाई सेचुरेशन, तो उस पर क्लिक करना। एंड नीचे साइड में देख सकते हो, इसको स्लाइड करके ऐसे पूरा 100 कर देना है एंड यहाँ से इसको टिक कर देना। एंड अब आपको क्या करना है, फिल्टर के साइड में देखोगे तो एडजस्ट का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना, ब्राइटनेस में जाना है, इसको ब्राइटनेस को -10 में रख देना है, 10 या 12 के आसपास रख देना। कॉन्ट्रास्ट में जाना, इसको फुल 15 रख देना है। सेचुरेशन में जाना, सेचुरेशन को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना है 5K अराउंड। शार्पन में जाना, शार्पन को आप लोग को पूरा 100 कर देना है। एंड यहाँ पे इतना हो जाने के बाद आपको क्या करना है, नीचे आपको प्लस का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कर देना। एंड यहाँ पे क्या करना है, आपको इफेक्ट वाले पे फिर से जाना है। एंड एज ग्लो देखने को मिलेगा, उस पर क्लिक करना, एडजस्ट का ऑप्शन मिलेगा उस पर आपको क्लिक करना है। एंड यहाँ पे ग्लो आपको देखने को मिलेगा, इसको ग्लो को ऐसे स्लाइड करके आपको अपने हिसाब से रख लेना, आप लोग जितना रखना चाहो, तो हम यहाँ पे 15 के राउंड रखने वाले हैं। एंड फिर से आपको एक बार प्ले करके दिखा देते हैं हमारा वीडियो जो है कैसा बना है, तो चलो स्टार्टिंग से आपको दिखा देते हैं। तो जो हमारा वीडियो है जैसा प्रीमियम मैंने दिखाया था एकदम से सेम वीडियो बन चुका है, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को एक लाइक कर देना। तो चलो गाइस मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।